आइसोमेरिज्म की बात कर रहे थे हम लोग, तो थोड़ी सी और बात कर लेते हैं इसकी। तो कल के लेक्चर में हम लोगों ने बात करी थी, सिस ट्रांस की बात की थी। वॉइस क्लियर है सबको? सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म की बात हुई थी, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैसे कैसे प्रेजेंट होता है, सिस और ट्रांस की बात की थी। अभी हम लोग इधर में बात कर रहे हैं इसी का एक टाइप, जिसको हम बोलते हैं सिन एंड एंटी। ठीक है, सिन और एंटी कब बोलेंगे? जैसे ये एक कंपाउंड है, इसको हम नाम दे रहे हैं एंटी कॉन्फ़िगरेशन, और इसी कंपाउंड के इस कॉन्फ़िगरेशन को हम बोल रहे हैं सिन। यहाँ पे अगर देखिए तो हमेशा ध्यान रखते हैं, बॉन्ड पेयर को लोन पेयर से ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है। तो एंटी देखिए कब बोला जा रहा है, जब ये दोनों लोन पेयर या दोनों बॉन्ड पेयर अपोजिट साइड पे आपको दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पे अगर देखो तो दोनों लोन पेयर आपका एक ही साइड पे दिख रहे हैं। अब साइड कहाँ से देखनी है? इधर से, बीच वाली एक्सिस से देखना है। अगर ये आपके एक ही साइड पे दिखाई देते हैं तो उसको सिन बोलते हैं, और अगर अलग अलग साइड पे दिखते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंटी कॉन्फिगरेशन। क्लियर है इतनी बात? यहाँ पे भी अगर देखो तो दोनों लोन पेयर एक ही साइड पे हैं तो इसको सिन बोल देंगे, और अगर अपोजिट साइड पे हैं तो इसको हम लोग एंटी कह सकते हैं। इसके बाद ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में सिस ट्रांस की बात हो रही है, तो सिस ट्रांस ये पहचानते हैं हम लोग, इसमें एक ये दिया हुआ है स्ट्रक्चर। इसमें अगर आप देखो तो ये एक रिंग है, तो ये रिंग शो करेगी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन को, क्योंकि आपको पता है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए क्या क्या होना चाहिए। एक तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो, तो उसमें एक रिंग हो सकता है या डबल बॉन्ड हो सकता है, और दूसरी चीज आपके ग्रुप्स किस तरीके के अरेंज हो, वो मैंने आपको बताया था क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए ए बी बी उस फॉर्म में। तो अगर इस स्ट्रक्चर को देखो, पहले वाले को, तो यहाँ सी एस थ्री और यहाँ पे एच, अगर इसको डायगनल बोलो आप, तो डायगनल पे डिफरेंट ग्रुप है तो इसको क्या बोलेंगे? सिस। और अगर इधर देखो डायगनल पे सेम ग्रुप है तो इसको हम ट्रांस कह सकते हैं। इतना क्लियर है सबको ये वाला स्ट्रक्चर पहला? सेकेंड स्ट्रक्चर को भी देख लो। सेकेंड स्ट्रक्चर को अगर देखो तो ये ऊपर की तरफ है, ये एग्जैक्टली ये वाले जो होते हैं, ये रिंग मान लो एक प्लेन में है, तो एक बॉन्ड ऊपर के प्लेन में होता है और एक बॉन्ड उसके नीचे के प्लेन में होता है। तो ये ऊपर वाले, और यहाँ पे भी देखो ये ऊपर वाले में है, तो यहाँ पे अगर नीचे की तरफ देखेंगे तो डायगनली ये पड़ेगा, तो ये डिफरेंट हो गए, तो इसको हम सिस बोलेंगे और इसको हम क्या बोलेंगे? ट्रांस। क्लियर? स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि देखो ये जैसे कार्बन कार्बन है, चार कार्बन है ऐसे, ठीक है। अब इसी कार्बन के ऊपर ऊपर की तरफ, जिस प्लेन में ये कार्बन की रिंग है उसमें ऊपर की तरफ यहाँ सी एस थ्री अटैच है और नीचे की तरफ यहाँ एच अटैच है। इसी तरीके से ये जो सेकेंड वाला कार्बन है रिंग का, यहाँ पे प्लेन के ऊपर की तरफ सी एस थ्री और नीचे की तरफ एच, बाकी सब क्या होंगे? सी एच टू, सी एच टू। क्लियर? यहाँ पे भी एच दिखाए नहीं गए, एक एच ऊपर की तरफ एक एच नीचे की तरफ, यहाँ पे भी एक एच ऊपर एक एच नीचे होगा, लेकिन अब क्योंकि सेम हो गए तो यहाँ पे तो हो नहीं सकता है भाई। आपको पता है कि अगर किसी एंड पे दोनों ग्रुप सेम हो गए तो फिर वहां पे तो हम देख नहीं सकते ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो कौन सा एंड बनाएगा? केवल ये वाला बना सकता है। क्लियर हुई बात? अब थर्ड वाले में भी देख लो, तो सिस ट्रांस पहचान पा रहे हैं आप लोग थर्ड एग्जाम्पल में भी? अब देखो, एक टर्म बोला जाता है डायस्टीरियोमर्स। डायस्टीरियोमर्स का क्या मतलब है? कोई भी ऐसा स्टीरियो आइसोमर जो एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं हो, उसको हम बोलते हैं डायस्टीरियोमर। अब मिरर इमेज समझते हैं क्या होती है?
क्या होती है, कोई एक्सप्लेन करेगा? एग्जैक्ट इमेज अपोजिट साइड में. अच्छा देखो, जैसे ये वाला स्ट्रक्चर है, अगर फर्स्ट वाला, और यहां पे अगर आप मिरर लगा दो, ये फर्स्ट स्ट्रक्चर है, यहां पे अगर मिरर लगा दो, तो मिरर में आपको पता है कि जो लेफ्ट होता है वो राइट में चला जाता है, और जो राइट होता है वो कहाँ दिखता है आपको? लेफ्ट में दिखता है. ठीक है, तो अगर हम लोग इसकी मिरर इमेज बनाएं इस स्ट्रक्चर की, इस स्ट्रक्चर पे फोकस करो, इसका अगर हम मिरर इमेज बनाएं, तो मिरर इमेज हमारा कैसा बनना चाहिए? अगर हम मिरर इमेज की बात करें तो कैसा बनना चाहिए? बीच वाला तो सब सेम रहेगा, इधर सी एल इधर एच है, ये लेफ्ट में है तो ये राइट में चला जाएगा, और इधर एच है और इधर सी एल है तो ये राइट वाली चीज लेफ्ट में आ जाएगी. ठीक है, तो ये मिरर इमेज बन गए एक दूसरे के, ये इसका मिरर इमेज. तो आप देखो कि ये और ये एक दूसरे के मिरर इमेज हैं क्या? मतलब यहाँ पे अगर हम मिरर प्लेस करें तो इसकी इमेज तो ये बन रही है ना, ये थोड़ी बन रही है. ठीक है, तो ऐसे कोई भी स्टीरियो आइसोमर्स, उनका मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम होगा, स्ट्रक्चर सेम होगा, पर 3D में इस तरीके का कॉन्फ़िगरेशन होगा इनका कि उन वो एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है. मतलब एक के सामने अगर मिरर रखो तो दूसरा पिक्चर नहीं दिखाई देगा, और दूसरे के सामने अगर मिरर रखो तो वो पहले की तरह पिक्चर नहीं बनाएगा. तो ऐसे आइसोमर्स को हम बोलते हैं डायस्टीरियोमर्स. क्लियर? ठीक है, तो ये जो GI वाले ज्योमेट्रिकल आइसोमर हैं, इसको हम डायस्टीरियोमर्स कह सकते हैं. जैसे पिछला भी अगर देखो आप, ये वाला भी देखो, इस स्ट्रक्चर को भी देख लो, तो इसका सिस ट्रांस बनाओगे तो क्या होगा? एक दूसरे का मिरर इमेज बनेगा क्या? यहाँ पे रिंग वाले में तो ऐसा नहीं कह सकते हैं. ये वाले को देखते हैं, जैसे ये वाला है सिस ट्यूबिटीन है ना, इसका मिरर यहाँ पे अगर हम मिरर लगा दें तो क्या बनेगा? ये डबल बॉन्ड, अब लेफ्ट चला जाएगा राइट में, और राइट कहाँ चला जाएगा? लेफ्ट पे. ठीक है, तो ये बन रहा है क्या? ये ट्रांसफॉर्म है इसका, ट्रांसफॉर्म है ये. एग्जैक्टली ट्रांस तो नहीं है, ये तो सेम ही चीज बन गई ना, ये तो मिरर में सेम टू सेम दिख रही है. ठीक है, तो इसका जो ट्रांसफॉर्म हम बनाते हैं वो इसका मिरर इमेज नहीं होता. कुल मिला के कहने की बात क्या है कि सिस और ट्रांस में से किसी भी एक को उठा करके अगर आप मिरर इमेज बनाओ उसकी, तो वो ट्रांस नहीं बनेगा, और सिस को अगर ट्रांस को उठा के उसकी मिरर इमेज बनाओ तो वो सिस जैसा नहीं दिखेगा. तो दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होते, इसीलिए यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, ऑल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर कॉल्ड डायस्टीरियोमर्स. क्लियर? ठीक है, क्योंकि मिरर इमेज हम बना रहे हैं तो किसी में तो बिल्कुल सेम मिल रहा है और किसी में अपोजिट स्ट्रक्चर मिल रहा है, वो ट्रांस तो हमें नहीं मिल रहा. इसके बाद इसी में हमने सिन बोला, एक कॉन्फ़िगरेशन को सिन बोला, एक को बोला एंटी, और एक को बोला सिस, एक को बोला ट्रांस. कभी कभी ऐसा होता है जो क्वेश्चन में आपको EZ नॉमेनक्लेचर, मतलब इसी में EZ नेमिंग करी जाती है. ठीक है, तो EZ का मतलब क्या है और कब यूज करेंगे हम लोग? EZ नॉमेनक्लेचर बेसिकली तब यूज किया जाता है जब सारे ग्रुप डिफरेंट हो. यहां पे आप देख पा रहे हो कि पहले कार्बन पे ए है और बी है, दूसरे कार्बन पे ई है और डी है, चारों डिफरेंट है. देख पा रहे हैं? ठीक है, इस सिचुएशन में हम लोग जो नाम देते हैं वो सिस ट्रांस ना दे करके, सिन एंटी ना दे करके, हम लोग इसमें नाम देते हैं ई एंड जेड.
ई एंड जेड हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं? जेड जो वर्ड है, जुसामेन नाम मतलब वर्ड का मतलब होता है, ई होता है एंटी गेगन, तो ई का मतलब आप समझेंगे अपोजिट, और आपका जेड का मतलब है टुगेदर। अब मीनिंग क्या है इसका ये समझते हैं। देखो इसमें जैसे ये पहला कार्बन है ना, ये फर्स्ट कार्बन है और ये सेकंड कार्बन है ये वाला, ठीक। तो क्या करेंगे, सबसे पहले पहले कार्बन को ऑब्जर्व करो और उसमें जो दो ग्रुप अटैच है उसमें प्रायोरिटी लेवल से लिखते हैं हम लोग ग्रुप को। प्रायोरिटी कैसे देखी जाती है? एटॉमिक नंबर की बेसिस पे या एटॉमिक वेट की बेसिस पे। जिसका एटॉमिक वेट ज्यादा होगा उसको पहला नंबर दे दो, और जिसका एटॉमिक वेट कम होगा उसको दूसरा नंबर दे दो। क्लियर है इतनी बात? अब देखो यहां पे एक लाइन लिखी हुई है, ए इज ग्रेटर देन बी। इसका मतलब एटॉमिक वेट जो ए का है वो ज्यादा है और बी का कम है, तो जिसका ज्यादा है उसको वन नंबर दे दो और जिसका कम है उसको टू नंबर दे दो प्रायोरिटी में। इतनी बात क्लियर है? अब यहां पे साइड में लिखा हुआ है ई इज ग्रेटर देन डी, इसका मतलब ई को पहला नंबर दे दो और डी को दूसरा नंबर दे दो, ठीक। अब आप देखो कि जो इसमें टॉप प्रायोरिटी पे आपने वन को लिया, मतलब ज्यादा प्रायोरिटी में ये वन है और इसमें ज्यादा प्रायोरिटी में वन है। जब आपको वन वन वाली जो प्रायोरिटी है वो एक ही साइड दिखाई देती है, मतलब इस कार्बन के एक ही तरफ ऊपर की तरफ दिख रही है, एक ही साइड में दिख रही है, तो वो टुगेदर वर्ड को शो करेगा और इस कॉन्फ़िगरेशन को जेड बोलते हैं। लेकिन अगर अपोजिट साइड आ जाए, जैसे यहाँ पे ए ग्रेटर देन बी है, ए को यहाँ पे वन दिया, बी को यहाँ पे टू दिया, फिर उसके बाद ई इज ग्रेटर देन डी है, तो यहाँ पे वन यहाँ आ गया और ये टू प्रायोरिटी पे आ गया, तो अब ये वन वन अपोजिट साइड में दिखाई दे रहे, एक ऊपर एक नीचे की तरफ देख पा रहे हैं, तो अपोजिट हो गया, तो इसको ई कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। अब एग्जाम्पल से समझे इसको। एटॉमिक नंबर की बेसिस पे भी कर सकते हैं, एटॉमिक वेट की बेसिस पे भी। वेट को लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है आइसोटोप लगा देते हैं, जैसे मान लो एक तरफ हाइड्रोजन लगा दिया और एक तरफ ड्यूटेरियम लगा दिया, तो इसको प्रायोरिटी ज़्यादा देनी पड़ेगी। एटॉमिक नंबर लोगे तब तो दोनों का एक ही हो जाएगा ना। क्लियर है बात सबको? ठीक है, तो इसमें जो प्रायोरिटी लेते हैं उसको हम लोग बोलते हैं, जो अभी मैंने बताया है सीनियरिटी की बात, वो सीआईपी रूल्स बोलते हैं। ये सीआईपी जो है ये साइंटिस्ट के नेम है, ये शायद कॉन हैन बोलते हैं, ये इन गोल्ड है, तो ये सब जरूरी नहीं है साइंटिस्ट का नेम आपको याद रहे तो, और इनका नाम नहीं याद आ रहा मेरे को, तीन नेम है ना, तो ये रूल्स हैं, रूल्स बेसिकली याद रखने हैं। रूल्स में क्या देखना है, हैविंग हायर एटॉमिक नंबर वो सीनियर होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग फर्स्ट नंबर देंगे। जैसे मान लो फ्लोरीन कहीं पे लगा हुआ है और कहीं पे OH लगा है, कहीं NH2 लगा है, कहीं CH3 लगा हुआ है, तो अगर इस एटम को देखो तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या हो गया, फ्लोरीन का एटॉमिक वेट करीब करीब 18 होता है ना। यहाँ पे पहले एटम को देखो, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 16 होता है, आपको पता है एटॉमिक वेट। नाइट्रोजन का कितना होता है, 14 एटॉमिक वेट। कार्बन का कितना होता है, 12। तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी में फ्लोरीन आ गया। क्लियर है बात? ठीक है, अब आप बोलोगे कि जो आपका मान लो फर्स्ट एटम सेम आ गया, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जब फर्स्ट एटम सेम आता है तो सेकेंड को देखना पड़ता है। फर्स्ट एटम इज आइडेंटिकल देन सेकेंड एटम इज ऑब्जर्व फॉर डिसाइडिंग सीनियरिटी। ठीक, अब एग्जाम्पल करते हैं तो बात ज्यादा समझ में आएगी। जैसे मान लो ये है ना, पहले सिंपल सा करते हैं। मान लो यहाँ पे F है, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दिया और यहाँ पे ड्यूटेरियम लगा दिया, ठीक। अब इसको पूछ रहा है ये E कॉन्फ़िगरेशन है या Z कॉन्फ़िगरेशन है, ये वाला एग्जांपल। तो प्रायोरिटी कैसे लें, अगर पहले कार्बन को देखो तो ड्यूटेरियम का 1H2 यानी 2 एटॉमिक वेट होता है, और ये तो प्रोटियम है तो इसका 1 होता है, तो इसको फर्स्ट बोल दें, इसको सेकेंड।
ये सबको क्लियर है। सेकेंड कार्बन पे देखो, क्लोरीन का एटॉमिक वेट ज्यादा होता है, फ्लोरीन का कम होता है, तो क्लोरीन को प्रायोरिटी मिल जाएगी। अब अगर हम देखें तो 1 1 एक ही साइड है, 2 2 एक ही साइड है। जब एक ही साइड पे होंगे दोनों के दोनों, तो उसको कौन सा बोल रहे थे हम लोग? जेड बोल रहे थे, जिसमें। ठीक। अब यही अगर हम लोग कॉन्फ़िगरेशन को इस तरीके से कर देते, मान लो एक को चेंज कर दो, किसी को भी, यहाँ पे डी कर दो, यहाँ पे एच कर दो, तब क्या बन जाता? तब ये डी को प्रायोरिटी मिलती इसमें, और इसमें इसको मिल रही है, तो ये दोनों अपोजिट हो जाते, तो कौन सा कॉन्फ़िगरेशन बन जाता? अपोजिट वाला बन जाता, ई। क्लियर हुई बात सबको? अब इस एग्जाम्पल को देखें, कौन बताएगा? वैसे तो यहाँ जेड लिखा हुआ है, बताना क्या है? अब फ्लोरीन क्लोरीन का तो पता ही है कि इसको 1 दोगे, इसको, ठीक है, 2 दोगे। अब यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे C2H5 है, ठीक है, तो इसको कैसे देखेंगे हम लोग? इसको देखने के लिए एक मिनट, इस स्ट्रक्चर को ओपन करके बना लेते हैं ताकि सबको समझ आ जाए। नहीं, ऐसे नहीं देखेंगे, बता रहे हैं ना। अभी क्या किया? सी डबल बॉन्ड सी, और एक तरफ हमने क्या लगाया था? यहाँ पे फ्लोरीन क्लोरीन था और यहाँ पे मिथाइल इथाइल था, है ना, यही था। ऐसे था, ठीक है। तो यहां तो बात क्लियर हो गई, इसको 2 मिल गया, इसको 1 मिल गया। यहां पे क्या हुआ अगर इसी स्ट्रक्चर को देखो, तो यहां पे C के साथ क्या लगा हुआ है? 3 H लगे हुए, देख पा रहे हैं? और यहां पे अगर देखो, C2H5 को हम ऐसे लिखते हैं, CH2CH3, तो यहां पे 2 H लगेंगे, और यहां पे एक कार्बन, और फिर यहाँ पे CH3। ये स्ट्रक्चर सबको समझ आता है? ओपन करके लिख दिया स्ट्रक्चर को, देख पा रहे हैं? ठीक। अब यहाँ पे केस क्या हुआ कि अगर फर्स्ट एटम आइडेंटिकल है, यहाँ पे हमने देखा कि इस कार्बन से जुड़ा हुआ ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, और ये भी कार्बन है, दोनों के दोनों कार्बन है, तो ये तो सेम हो गए, तो अब यहाँ प्रायोरिटी कैसे डिसाइड करें? अब आगे बढ़ना पड़ेगा, तब देखना पड़ेगा कि इस कार्बन से कौन कौन से एटम्स अटैच हैं। यहाँ पे अगर देखो तो एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, तीनों हाइड्रोजन है, ठीक है। यहाँ पे अगर देखो तो एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, और यहाँ पे तीसरा क्या अटैच है? कार्बन अटैच है। भाई देखो, यहाँ पे इससे एक हाइड्रोजन, दूसरा, तीसरा, यहाँ पे अगर देख लो आप, तो इस कार पहले कार्बन से एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, बट तीसरी जगह पे कार्बन अटैच है, देख पा रहे हो? तो जैसे ही ज्यादा एटॉमिक नंबर वाला एटम आया, ये दो तो एक दूसरे को कट कर दिए, एक दूसरे के रोल को, यहां पे हाइड्रोजन के ऊपर भारी कौन पड़ जाएगा? कार्बन पड़ जाएगा, तो ये प्रायोरिटी बना देगा। तो इसका मतलब क्या है कि इसको आप लो प्रायोरिटी दोगे और इसको हाई प्रायोरिटी। सबको बात क्लियर हुई? यहाँ पे ऐसे नहीं देखना है कि मिथाइल छोटा और इथाइल बड़ा है तो एटॉमिक वेट इथाइल का ज्यादा होगा, ऐसे नहीं देखना है। क्या देखना है? फर्स्ट एटम पहले देखा, तो फर्स्ट एटम इसमें भी कार्बन था, इसमें भी कार्बन था, दोनों सेम आ गए, तो अब क्या देखें? इस कार्बन से क्या क्या अटैच है? इस कार्बन से यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, और ये एक अगला कार्बन है, तो 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन तो इसके इफेक्ट को खत्म कर देंगे, ये मान लो इसके इफेक्ट को खत्म कर दिए, पर ये कार्बन का एटॉमिक वेट ज्यादा हो गया, ये हाइड्रोजन का कम है, तो इसको प्रायोरिटी मिल गई। क्लियर? हाँ जी। CH3 कैसे लिखोगे? बॉन्डिंग कैसे होगी? CH3 तो लास्ट में आता है ना, बॉन्ड कैसे बनाओगे?
बॉन्ड के अकॉर्डिंग ही तो स्ट्रक्चर बनेगा। क्लियर है सबको? तो कौन सा कॉन्फ़िगरेशन बन गया? एक साइड पे वन वन आ गए, एक साइड पे टू टू आ गए, तो टुगेदर हो गए, तो जेड कॉन्फ़िगरेशन हो गया। हाँ एक एल्केन और एक एल्काइन होता तो ट्रिपल बॉन्ड होता तो ठीक है, उसका भी रूल बताते हैं। ठीक है, ये देखो जैसे ये वाला है CH2 CH3 CH2 F CH2 CL CH2 Br। यहाँ पे अगर इसको देखो, ये प्रायोरिटी बता रहा है ये कि चार ग्रुप लगे हुए, किसको किसको कैसे कैसे प्रायोरिटी दे रहे हैं। तो यहाँ पे अगर इस ग्रुप को देखो तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन बी आर लगा हुआ है, देख पा रहे हो? तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो इसमें भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इसमें भी हाइड्रोजन, तो इक्वल हो गया। सी एल और बी आर में बी आर का एटॉमिक वेट ज़्यादा है। ऐसे ही यहाँ पे फ्लोरीन की भी बात हो गई, फ्लोरीन का सबसे कम पे आ जाएगा इन सब में। फिर उसके बाद कौन आ रहा है? CH2 CH3। ठीक है, अब इस CH2 को अगर देखो तो एक हाइड्रोजन और इधर क्या हो गया? कार्बन आ गया। ये वही वाला केस है जो अभी हमने डिस्कस किया, सेम टू सेम। इस कार्बन पे दो हाइड्रोजन, तो ये तो सेम इफेक्ट हो गया। अगला क्या हो गया? कार्बन, यहाँ पे फ्लोरीन था, तो फ्लोरीन आपका एटॉमिक वेट ज़्यादा है, कार्बन का कम है, तो इसको कम प्रायोरिटी मिली इसके कंपैरिजन। क्लियर? अब ये वाला जो एग्जाम्पल है इसको करते हैं, फिर उसके बाद जो बात इन्होंने पूछी है, किसने पूछी थी? हेमांग ने, वो बात करते हैं। ये एग्जाम्पल देखो, अब कार्बन कार्बन, तो पहले अगर एटम को देखो तो पहले CH2 अटैच है, देख पा रहे हैं सब लोग? तो ये तो बिल्कुल सिमिलर है, देख पा रहे हैं? अब इस CH2 पे कौन कौन से अटैच हैं उसको देख लेते हैं, क्योंकि ये तो बिल्कुल सिमिलर फैक्टर हो गया, तो ये कट जाएगा पूरा, है ना? अब इस CH2 पे यहाँ पे अगर देखो तो OH लिखा हुआ है, लेकिन एग्जैक्टली ये बॉन्डिंग जो होती है वो तो ये होती है ना, O जुड़ा होता है ना, तो यहाँ पे O है। फिर यहाँ पे अगर देखो CH2 पे तो NH2 जुड़ा हुआ है, तो यानी कि N है। यहाँ पे अगर देखो CH2 पे तो कौन जुड़ा हुआ है? Cl जुड़ा हुआ है। यहाँ पे अगर देखो CH2 पे तो कौन जुड़ा हुआ है? कार्बन जुड़ा हुआ है, देख पा रहे हैं? CH3 है तो कार्बन है। अब प्रायोरिटी देख लो कौन प्रायोरिटी में जाएगा, किसका एटॉमिक वेट सबसे ज्यादा है? N का, O का, C का, Cl का? Cl का सबसे ज्यादा है ना। फिर उसके बाद किसका है? ऑक्सीजन का। फिर उसके बाद किसका है? नाइट्रोजन का। फिर उसके बाद किसका है? कार्बन का। नाइट्रोजन का 14, ठीक है? तो इन दोनों में किसको किसको प्रायोरिटी मिलेगी, नाइट्रोजन को या ऑक्सीजन को? देखिए इसको मिलेगी ऑक्सीजन को, तो ये फर्स्ट हो गया इसमें और ये सेकंड। इन दोनों में देखो सीएल और कार्बन में सीएल को मिलेगी, तो ये फर्स्ट हो गया और ये सेकेंड। फर्स्ट फर्स्ट अपोजिट में दिखाई दे रहे हैं, तो कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है? ई। क्लियर है सबको बात? ठीक, अब देखो, अब हम लोग बात करते हैं जब इसके साथ डबल ट्रिपल ऐसा कोई बॉन्ड आ जाए तब हम क्या करेंगे। ये जैसे मान लो ये था, एक जगह पे ये ग्रुप आया हुआ है और एक जगह पे ये ग्रुप आया हुआ है, ये ट्रिपल बॉन्ड वाला। ठीक, मतलब मान लो ये डबल बॉन्ड है और इस पे एक तरफ ये CH डबल बॉन्ड CH2 अटैच है और एक तरफ ये C ट्रिपल बॉन्ड CH अटैच है। यही पूछ रहे थे ना, क्या नाम है, हेमांग। ठीक, अब एक जगह ये डबल बॉन्ड वाला आ गया और एक जगह ये ट्रिपल बॉन्ड वाला आ गया, अब इसको कैसे देखें? देखो
पहला ये तो सेम हो गया, कार्बन कार्बन, ठीक है भाई। लेकिन इस कार्बन पे यहाँ हाइड्रोजन अटैच है और फिर डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है। तो इसको ना एक हाइपोथेटिकल रूल से हम लोग देखते हैं। हाइपोथेटिकल रूल क्या है? हाइपोथेटिकल रूल ये है कि जिस कार्बन को आप ऑब्जर्व कर रहे हो ना, उस पर अगर डबल बॉन्ड से कार्बन अटैच है, तो आप इसके साइड में दो कार्बन लगा लो, ठीक। जैसे यहाँ पे कार्बन से ट्रिपल बॉन्ड से एक कार्बन अटैच है, दिख रहा है आपको, तो इसका मतलब इस कार्बन पे आप तीन कार्बन एज्यूम करो। इस ट्रिपल बॉन्ड को हटा करके एक तीन कार्बन आप अटैच करो, ठीक है। देखो कैसे कैसे इस स्ट्रक्चर को बना रहे हैं हम। ये डबल बॉन्ड वाला, ये तो ओरिजिनल अपना है, ये अपना कार्बन है। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड पे CH2 अटैच है, इसका मतलब दो कार्बन, इस कार्बन पे आप दो कार्बन अटैच कर दो, ठीक है। अब नीचे वाले कार्बन को देखते हैं, इस कार्बन पे अगला कार्बन तीन ट्रिपल बॉन्ड से अटैच है, मतलब इस कार्बन पे तीन कार्बन आपको अटैच करने हैं। देख पा रहे हो? एक हाइड्रोजन तो यहां पे होगा ही होगा। अब अगर आप देखो तो आपको कौन प्रायोरिटी में दिख रहा है? ट्रिपल कार्बन। कैसे? हाँ, दूसरी तरफ दो कार्बन अटैच है, सही है। तो कौन सा प्रायोरिटी में मिल गया हमको? ट्रिपल बॉन्ड वाला प्रायोरिटी में मिल गया, ठीक है। अब देखो लास्ट में यहाँ पे पीएच को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी है। पीएच को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी क्यों दे दी? सोचो, पीएच ये होता है, अगर कहीं पे पीएच लगा हुआ है, फिनाइल मतलब ये वाली रिंग लगी हुई है किसी के साथ, तो इसको ज्यादा प्रायोरिटी ट्रिपल से भी मिल रही है। क्या रीजन है? रिंग स्ट्रक्चर को प्रेफरेंस मिलती है। अच्छा, क्यों? देखो इसको प्रेफरेंस क्यों मिल रहा है, क्योंकि यहाँ अगर कार्बन ये अटैच है ना, ठीक है, कहीं पे रिंग अटैच है, कहीं पे ये अटैच है और कहीं पे रिंग अटैच है। रिंग अटैच है तो यहाँ भी कार्बन हो गया, इधर भी कार्बन हो गया, इधर भी लगातार कार्बन है, देख रहे हो, ठीक है। और यहाँ पे केवल दो ही कार्बन थे, अब उसको हमने तीन कार्बन में ब्रेक कर लिया था ट्रिपल बॉन्ड की वजह से। बाकी यहाँ पे क्या है, लगातार कार्बन लगे हुए हैं, इसलिए रिंग में। अभी इसको एक्सपेंड करके भी दिखाएंगे क्या रीजन है, एक एग्जाम्पल, ठीक। तो ट्रिपल और डबल में क्लियर हुई कॉन्सेप्ट कि कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है। फिनाइल का भी रीजन नहीं बताया, फिनाइल का बस अभी इतना बताया कि फिनाइल को ज्यादा प्रायोरिटी दोगे। ट्रिपल डबल का क्लियर हुआ कि नहीं? देखो इसी स्ट्रक्चर को इन्होंने यहां पे भी शो भी किया है, जो स्ट्रक्चर बनाया गया है, ये ट्रिपल बॉन्ड वाला है, ये डबल बॉन्ड वाला है। क्या दिखाना चाह रहे हैं? ये कार्बन है, इस कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड का मतलब तीन कार्बन दिखा दो इससे। ये कार्बन है, इससे एक कार्बन इधर, एक इधर, एक इधर, देख पा रहे हैं? इस कार्बन से एक, दो, ठीक। इस कार्बन को देखो, ये वाला कार्बन, ये जो कार्बन है यहाँ पे, ये दो कार्बन कैसे दिखा दिए इन्होंने? इसको ब्रेक तो सही किया, CHH और एक कार्बन और एक कार्बन इधर वाला है, ठीक है। चलो सही ब्रेक नहीं किया, हमें तो ब्रेक करना आ गया ना, और कोई एक एग्जांपल लेके भी करेंगे अभी।
अब बॉन्ड पेयर इज ऑलवेज सीनियर देन लोन पेयर. बॉन्ड पेयर अगर कहीं पे आता है तो उसको आपको ज़्यादा सीनियरिटी देनी है लोन पेयर के कंपैरिजन में. तो ये देखो, यहाँ पे बॉन्ड पेयर है, यहाँ पे लोन पेयर है, तो कौन ज़्यादा सीनियर होगा? ये होगा. यहाँ पे आर है, आर का मतलब कोई भी कार्बन होगा, CH2, CH3, C2H5, कुछ भी कार्बन होगा ना. और यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो कार्बन को ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगी, हाइड्रोजन को कम मिलेगी. आर का मतलब एल्काइल ग्रुप हो गया, CH3 भी हो सकता है, C2H5 भी हो सकता है, C3H7 कुछ भी हो सकता है, कार्बन का ही होगा. तो इसको प्रायोरिटी वन मिल गई, इसको टू, यहाँ पे ये टू, यहाँ पे वन, तो अपोजिट हो गए, तो ई. और यहाँ पे अगर देखो, यहाँ पे क्या कर दिया इसको आपने, क्या कर दिया, बॉन्ड पेयर को वन प्रायोरिटी, लोन पेयर को सेकेंड, ये इसको वन, इसको सेकेंड, तो वन वन एक साइड हो गए, तो जेड. क्लियर? एक एग्जाम्पल और लेना चाहिए हमें जिसमें हम बता सके. आया हुआ क्वेश्चन ले ले क्या कोई? इसके पहले मैंने कहीं डाला तो है नहीं. प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन था. एक सेकेंड बस होल्ड करिएगा, एक सेकेंड में बुक. ये चार ऑप्शंस गिवन है. आवाज़ आ रही है आपको सबको? ठीक है, इसमें आपको बताना है, ये क्वेश्चन कल ही करवाया तो नहीं था, इसमें बताना है सिस ट्रांस किस में होगा.
चलिए बताइए। सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म किस में प्रेजेंट होगा? कल कंडीशन बताई थी ना, एक तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए और दूसरी क्या चीज देखनी है, दोनों कार्बन पे डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए। तो देखो कहाँ पे ये प्रेजेंट है, कौन से ऑप्शन में? बी में। अच्छा ए में नहीं है। ए क्या बन रहा है? ए बन रहा है आपका CH3 सिंगल बॉन्ड, ये बन रहा है। इसमें ए में क्यों नहीं होगा? तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन तो यहाँ हो ही सकता है ना, डबल बॉन्ड है। सब लोग बताइए जल्दी से। ए में सिस ट्रांस हो सकता है ना भाई? पहले पहले कार्बन पे हाइड्रोजन CH3 डिफरेंट हो गया, दूसरे कार्बन पे भी हाइड्रोजन और CH3, ठीक है? तो दोनों ग्रुप एक कार्बन पे दोनों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए, बस इतना देखना है, और डबल बॉन्ड है। तो ए शो करेगा, बी करेगा क्या? बी करेगा। बी नहीं करेगा, क्यों? रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन तो है ही, रिंग है, डबल बॉन्ड है, सब कुछ है। रिंग भी है, डबल बॉन्ड भी है, देख पा रहे हो? जैसे ये डी वाला ऑप्शन है, डी वाले ऑप्शन में भी देखो, यहाँ डबल बॉन्ड है, लेकिन यहाँ पे ये मिथाइल है और ये भी मिथाइल है, देख पा रहे हैं ना? ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है। तो दोनों ग्रुप आपके क्या हो गए? सेम हो गए। जब दोनों ग्रुप सेम हो गए तो ये नहीं शो करेगा। इसको देखो, थर्ड वाले को देखो, ये कार्बन CH3, ये CH2, ये वाला कार्बन CH और ये डबल बॉन्ड CH2, यही तो है। तो इस साइड वाले कार्बन पे देखो, दोनों हाइड्रोजन हो गए, दोनों सेम ग्रुप हो गए, तो ये भी नहीं शो करेगा। बी वाले को देखो, ए तो करेगा। बी वाले को चेक करो, बी वाले पे हो सकता है क्या? इस कार्बन को अगर देखो तो यहां पे डबल बॉन्ड है, और इस डबल बॉन्ड पे हाइड्रोजन कितने होंगे? एक, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है तो एक तो हाइड्रोजन अटैच होगा, स्ट्रक्चर को अगर ध्यान से देखें, और यहाँ पे एक कार्बन अटैच हो जाएगा CH2। तो ऐसे में हो सकता है क्या? तो ए ऑप्शन बन रहा है। आप देखो EZ, बताओ ये स्ट्रक्चर है, ये डबल बॉन्ड है, इसी स्ट्रक्चर को आप ऐसे भी बना सकते हो, है ना? बी में CaBCAB बन रहा है। अच्छा, इस कार्बन पे हाइड्रोजन और इधर CH2, और इस कार्बन पे इधर हाइड्रोजन और इधर CH2, बन सकता नहीं? लेकिन इस पे अगर देखो, रिंग पे यहां पे दोनों चीज हो गई ना,
डबल बॉन्ड भी है और रिंग भी है ना। दो ग्रुप होने चाहिए जो आपके ऊपर और नीचे अटैच हो, तब होगा रिंग में। यहाँ पे दो ग्रुप नहीं है, एक ही है, देख रहे हो, डबल बॉन्ड की वजह से। अगर यहाँ सिंगल बॉन्ड होता और मिथाइल उथाइल लगा होता तो कुछ चांस बनते। यहाँ पे तो एक ही ग्रुप अटैच है ना ऊपर की तरफ, इधर तो रिंग आ गई, ठीक है, तो इसमें नहीं हो पाएगा। चल ये वाला बताओ, ये फर्स्ट ऑप्शन है, बताना है आपको ये ई है या जेड है। सेकंड है आपका ऐसे, यहाँ पे एच, यहाँ पहला वाला ई है, अच्छा दूसरा वाला पहले वाले को ई कैसे देखा, देखो इस कार्बन कार्बन को देख रहे हैं, तो एक तरफ वाला देख लो, एक तरफ वाले में किसको प्रायोरिटी मिलेगी, इसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन में इसको मिल जाएगी, ठीक है, और ब्रोमीन और क्लोरीन में इसको मिल जाएगी, ब्रोमीन का ज्यादा होगा। तो एक तरफ अगर देखो डबल बॉन्ड के ऊपर की तरफ सारे के सारे हाई वाले हैं और लो वाले नीचे की तरफ हैं, तो इस ये कौन सा हो गया, जेड हो गया, ठीक है। अब बी को देख लो, बी में क्या हो गया, अगर हम लोग देखें तो डबल बॉन्ड पे इसको फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी और इसको सेकंड, क्योंकि इसका एटॉमिक वेट ज़्यादा है, कार्बन का कम है, तो ये फर्स्ट ये सेकंड। यहाँ पे अगर देखो तो क्लोरीन का ज़्यादा है, तो ये अपोजिट दिखाई दे रहे हैं आपको, तो ई हो जाएगा। और थर्ड वाले को अब आप बता दो, मिथाइल इथाइल तो अभी बताया था आपको, थर्ड वाला अगर स्ट्रक्चर देखो तो क्या क्या लगा हुआ, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन, तो इसको प्रायोरिटी, इसको सेकंड। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, ठीक है, इस कार्बन पे तीन हाइड्रोजन, इस कार्बन पे दो हाइड्रोजन और एक कार्बन, तो इसको प्रायोरिटी। दोनों सेम टू सेम हो गए एक ही साइड पे, तो ये जेड हो गया। सबको क्लियर है? इजेड, इजेड का एक अच्छा सा क्वेश्चन था, वो हमें नहीं मिल रहा है, चलो कोई बात नहीं। हाँ सेम, हाँ सेम तरफ अगर आ गए, जैसे हायर प्रायोरिटी वाले अगर सेम टाइप साइड आ गए तो उसको जेड बोल दोगे। ये देखो हाँ, ए वाले में देखो, ये डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड की एक तरफ देखते हैं ना, तो क्लोरीन और हाइड्रोजन है ना, तो क्लोरीन को पहला नंबर मिलेगा हाइड्रोजन के कंपैरिजन में, और इधर ब्रोमीन और क्लोरीन, क्या क्या अच्छा स्ट्रक्चर में कंफ्यूज हो रहे हो, ओके देखो स्ट्रक्चर में देखना क्या है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है ना, पहले कार्बन पे क्या क्या अटैच है उसको देख लो, दूसरे कार्बन पे क्या क्या अटैच है उसको देख लो। पहला कार्बन ये है मान लो, ये दूसरा मान लो कार्बन, तो पहले कार्बन पे एक तरफ सीएल और एक तरफ हाइड्रोजन देख पा रहे हो ना, तो ये ऐसे बनेगा एग्जैक्टली, हाँ उल्टा बन गया है। जब इसको अपन ओपन करके ऐसे बनाएंगे ना, ये तो वर्टिकल दिया है ना, अगर अपन हॉरिजेंटल बनाएंगे तो ये सीएल इस तरफ आ जाएगा ना और एच इस तरफ, और यहाँ पे बी आर कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ, और सी एल इस तरफ। अब ये बात क्लियर है, ठीक है, अब बना के देख लो। अब हाइड्रोजन और क्लोरीन में तो इसको ही मिल गई, और ब्रोमीन और क्लोरीन में इसको मिल गई, तो क्या बन रहा है, जेड बन रहा है। किसका नेट चला गया,
चिरायु का नेट चला गया। अच्छा, ये स्ट्रक्चर ऐसे बना हुआ है, हमने इसको ऐसे हॉरिजॉन्टली बना लिया, तो ये पहला कार्बन था, ये दूसरा कार्बन, यहाँ फर्स्ट कार्बन, यहाँ सेकंड बना दिया हमने। अब इस फर्स्ट कार्बन पे अगर देखो तो ऊपर की तरफ सीएल है, जब इसको ट्विस्ट करोगे तो ऊपर सीएल, इधर एच, और इसको ट्विस्ट करोगे तो ऊपर बीआर और इधर सीएल बना लिया हमने। अब उसके बाद सीएल और एच, पहले कार्बन पे जो अटैच है उसमें देखते हैं, तो सीएल और एच में अगर देखो तो सीएल का एटॉमिक वेट ज़्यादा है, तो सीएल को प्रायोरिटी, इसको सेकेंड। दूसरे पे देखो ब्रोमीन का ज़्यादा है, क्लोरीन का कम है, तो इसको वन, इसको टू। अब वन वन अगर हायर प्रायोरिटी वाले एक ही साइड होते हैं तो जेड, क्लियर? ठीक है, वैसे भी शायद जेड ही आया था ना। कर लेंगे अब ये इस तरीके के क्वेश्चन आप लोग। एक बहुत ही बढ़िया था लेकिन नहीं दिख रहा है, तो कोई बात नहीं, देख के ही बताएंगे। जैसे ये है CH3, CH2, CHO, फिर है कंपाउंड CH3, CH डबल बॉन्ड, CH, CH3, तीसरा कंपाउंड है CH3, CH2, CH, CH3, यहाँ पे OH है, और चौथा कंपाउंड है CH3, CH3। ठीक है, अब कॉलम टू में क्या क्या दिया है देखो, ये लिखा हुआ है ऑप्टिकल, अभी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आपको पढ़ाया नहीं है। ये है फंक्शनल, ये है जियोमेट्रिकल, और ये है कन्फर्मर। कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म एल्केन में प्रेजेंट होता है। मैच करना है, ज्योमेट्रिकल किसमें प्रेजेंट होगा, ज्योमेट्रिकल तो पढ़ चुके हैं। कन्फर्मेशन देखो मैंने बताया कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म एल्केन में होता है ना, तो कन्फर्मेशनल आपका एल्केन में हो जाएगा। एल्केन आपको ये दिखाई दे रहा है, देख पा रहे हैं इथेन, और ज्योमेट्रिकल किसमें होगा, ज्योमेट्रिकल इसमें हो जाएगा ब्यूटीन टू है ना, ये अपना, इसमें सिस और ट्रांस बन जाएगा। फंक्शनल ग्रुप वाले में अच्छा ऑप्टिकल अभी पढ़ाया नहीं है, पर ऑप्टिकल की कंडीशन क्या होती है, अगर आपको कोई कार्बन ऐसा दिख रहा है जिस पे चारों ग्रुप्स अलग अलग हो, डिफरेंट हो, ठीक है, तो वहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता है। तो इसमें अगर हम देखें तो ये वाला ऑप्शन जो बना हुआ है, इसको अगर देखो आप ध्यान से, तो ये क्या शो कर रहा है, ये ऑप्टिकल की कंडीशन शो कर रहा है, कैसे दिखाते हैं इस स्ट्रक्चर को अगर देखो, तो इसमें ये वाला जो कार्बन है इस पे एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, देख पा रहे हैं सब लोग, एक OH लगा हुआ है, एक तरफ CH3 लगा है और एक तरफ C2H5 लगा हुआ है, भाई ये C2H5 हो गया ना, तो इस कार्बन पे चारों वैलेंसी अलग अलग है ना, एक तरफ CH3, एक तरफ एक ग्रुप हाइड्रोजन, एक तरफ ये बड़ा ग्रुप, एक तरफ ये OH, तो चारों जो हाइड्रोजन अलग, चारों जो ग्रुप्स अलग अलग अटैच होते हैं, तो इसको बोलते हैं काइरल कार्बन। और अगर किसी कंपाउंड में काइरल कार्बन होता है तो वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करने के उसके पूरे चांसेस होते हैं, तो ये ऑप्टिकल शो करेगा। तो इसका मतलब बी से ये ए कनेक्ट हो गया। अब CH3, CH2, CHO, ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। एल्डिहाइड किसके साथ शो करते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, जल्दी से बता दीजिए, कल ही बताया था शायद, कल या परसों। एल्डिहाइड क्या बनाते हैं, एल्डिहाइड एल्कोहल के साथ बना रहे थे,
ये है CH3 CH2 CHO, या कीटोन के साथ बना रहे थे। देखो फॉर्मूला और वो सेम है क्या? तीन कार्बन है, हाइड्रोजन 6 है और ऑक्सीजन 1 है। यहाँ पे भी देखो तीन कार्बन, हाइड्रोजन 6, ऑक्सीजन 1, फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया। ये कीटोन है और ये क्या है? एल्डिहाइड। क्लियर है बात? क्वेश्चन क्लियर हो गया? देखो देखो,